तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग का बैक टू आवर चैनल ग्रैक्स। भाई हमारे पास है ये सैमसंग का S23 गैलेक्सी एंड भाई ये है पिक्सल का पिक्सल 7 है। मुझे पता है भाई दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये कुछ 36,000 का है, ये पड़ा था ये कुछ 36,000 का मुझे पड़ा था एंड ये मुझे पड़ा था कुछ 75,000 के आसपास। ठीक है, तो भाई दोनों का प्राइस डिफरेंस करीब 40,000। बट फिर भाई पिक्सल का कैमरा सब लोग बोलते हैं गॉडली कैमरा से एंड भाई ये भी कैमरा में कोई मतलब कमी नहीं छोड़ता। तो भाई चलिए देखते हैं दोनों के कैमरा में कितना अंतर है। बट भाई दोनों का प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है 40,000। बट भाई एक चीज़ मैं तुम लोग बताना चाहता हूँ भाई, मैं पिक्सल को कुछ ही सिर्फ देर से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ। वहाँ पर S23 दोनों के सेम टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी भाई S23 पूरा ठंडा हो पड़ा है, कुछ भी हीट नहीं हो रहा। भाई पिक्सल का फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो भाई पिक्सल के फ़ोनों का ये इशू भाई सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, गूगल को ये इशू सॉर्ट आउट बहुत जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो भाई पिक्सल 7 बहुत हीट हो रहा है, मैं कुछ यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ कैमरा ऐप को सब ऑन करके रखा हूँ एंड ब्राइटनेस को सिर्फ फुल किया है। भाई सेम चीज़ सैमसंग में इस फोन में कर लिया, बट भाई सैमसंग ये फोन कोई भी हीट नहीं कर रहा, बट ये फोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मैं हाथ में लेकर रखा हूँ तो भाई मुझे मालूम चल रहा है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो भाई तो बातें छोड़ के आप कुछ फोटो लेते हैं। तो भाई ये बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड दिखा दो, ये बैकग्राउंड है। तो भाई आप लेते हैं कुछ सैम्पल फोटोज़। तो यहाँ पर ये कुछ हाथ से फोटो लेना पड़ेगा, ये ले लिया मैंने एक फ़ोटो एंड पिक्सल का फ़ोन पकड़ना था एंड अभी ये ले लिया सैमसंग से फोटो। ठीक है, सैमसंग के फ़ोटो बेसिकली क्या होते हैं, थोड़े कलरफुल टाइप के आते हैं एंड पिक्सल के जो फ़ोटोज़ हैं वो आते हैं थोड़े मतलब नेचुरल टाइप। बस जिनको जो चीज़ पसंद है भाई, किसी को कलर पसंद होता है, किसी को नेचुरल पसंद होते हैं। तो भाई एक सब्जेक्ट भी ला भाई, इधर आ जा। तो भाई यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट भी लाया। तो भाई यहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट फोटो, तो पहले पिक्सल से लेंगे। पिक्सल के पास भाई सिर्फ दो लेंस थे, एक है मेन लेंस 50 MP का एंड एक है अल्ट्रा वाइड। ठीक है, एंड यहाँ पर तीन लेंस है, एक मेन लेंस, एक अल्ट्रा वाइड एंड एक टेलीफोटो। तो भाई सैमसंग के पास यहाँ पर एडवांटेज है टेलीफोटो का, पोस्टर जो नेचुरल ब्लर करता है। तो भाई पहले सैमसंग से लेते हैं। तो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट के पास 3x का ऑप्टिकल जूम मतलब है। ठीक है, तो भाई मैं 3x से नहीं लूँगा, मैं 2x से लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा भाई सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा फ़ोटो क्लिक कर लिया एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर भी पिक्सल से भी 2x वाला फ़ोटो लूँगा। तो भाई ये कुछ ऐसा क्लिक कर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिजल्ट होते एंड सैमसंग में क्या है, देखो ये दोनों ऐसे कुछ रिजल्ट है, मैं डिस्प्ले में भी शो कर दूँगा, फिर तो यहाँ पर पैसे देख लो। ये कुछ ऐसे रिजल्ट है, बट भाई सैमसंग में एक चीज़ क्या है, पिक्सल में भी है बट उतना तो मुझे दिखा नहीं पिक्सल वाले फ़ोन में, थोड़े और भी फीचर्स आइंग होंगे बट हाँ यहाँ पर कुछ और ऐसे फीचर्स है। पिक्सल में इनहेंस मोड करके कुछ है, ऐसे कुछ इनहेंस कर सकते हो एंड भाई जो सैमसंग का है वो भाई DSLR लेवल का मतलब पोर्ट्रेट लग रहा है। जस्ट देखो भाई सैमसंग का DSLR लेवल का पोर्ट्रेट लग रहा है, देखो जस्ट। बट पिक्सल का भी नेचुरल है बट हाँ ठीक है, बट सैमसंग में थोड़ा ज़्यादा कलर्स है एक्चुअली, वो किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते। बट भाई सैमसंग में एक और फीचर है, मैं बैकग्राउंड इफेक्ट को तुम यहाँ चाहो तो चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड पर थोड़ा बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। फिर अप्लाई कर देने के बाद ये अप्लाई भी हो जाता है एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर है सैमसंग में रीमास्टर करके, ये इसको करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, फिर यहाँ पर कैमरा फोटोज़ और जस्ट और अमेजिंग लग रहा है। ऐसे तुम कर सकते, जस्ट देखो और अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और सैम्पल्स देते, आओ चलो।